देखिएगा, हम आपको भाग संबंधी सवाल करा रहे हैं, है ना। जैसे ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ है, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? 12 भागे 3/4। क्या है ये? 12 भागे 3/4, है ना। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, 12 भागित 3/4 इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, चलो। ये 12 का 12 12/1। भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। भाग का उल्टा होता है गुणा। भाग का उल्टा गुणा। चार ऊपर चला गया, 4 ऊपर और 3 नीचे। अब 3 से 12 काटो। 3 का पाड़ा बोलो कि 12 आ जाए। 3 बार। 3 का पाड़ा बोलो कि 12 आ जाए। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 3 बार। अरे भैया, 3 का पाड़ा बोलना है। तू किसका बोल रही? मैं 4 का। 4 का बोला मैंने? नहीं, 3 का। हाँ, 4 बार। तो फिर 4 × 4 कितना हुआ? 16। उत्तर कितना आ गया? 16, है ना। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन इधर करेंगे हम। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं हम, 14 भागित 5/6। 14 भागित 5/6। तो नीचे कुछ नहीं तो माना है कि, ठीक है। तो ये 14/1 समझो। भाग का उल्टा गुणा होता है, 6 ऊपर चला गया और 5/9 गया। ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, 14 × 5 = 70। 14 × 5 = 70। 14 × 6 = 84 और 5 × 5 = 5। ये उत्तर, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, 8 भागित 7/3। तीसरा प्रश्न, 8 भागित 7/3। 8 भागी 7/3। गुणी, 3 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया, है ना। तो 8 × 3 = 24 और नीचे कितना? 7। ये उत्तर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, 4 भागी 8/3। 4 भागित 8/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उलट गुणित कर देंगे। ये 3 ऊपर चला जाएगा और फिर 8 नीचे आएगा। 3 ऊपर चला गया 8 नीचे आएगा, ठीक है। अब 4 से 8 कटेगा कितनी बार? 4 × 8 कितना आया? 3/2, ठीक है ना। चलो अब पांचवा सवाल हम करेंगे। पांचवा सवाल है 3 भागित 2 = 1/3। 3 भागित 2 = 1/3। 3 भागित 2 = 1/3। तो 3 का 3 भागित, है ना, ये भाग का निशान है। 2 का पाड़ा 3 बार बोलो। 6 में ऊपर का 1 जोड़ो। 7 7 7/3, है ना।
दो तिया छः, छः और एक सात, सात बटे तीन। भाग का उल्टा क्या होता है? भाग का उल्टा गुणा, तीन ऊपर गया सात नीचे आया, तीन तिया नौ, नौ बटे सात। चलो क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर छठा है हमारा, पांच भागित तीन सही चार बटे सात, पांच भागित तीन सही सात बटे, तीन सही चार बटे सात, तीन सही चार बटे सात। तो भैया भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा, है ना। चलो इनका तो गुणा करो, सात तिया इक्कीस, सात तिया इक्कीस, सात तिया इक्कीस, इक्कीस और चार, इक्कीस और चार पच्चीस, पच्चीस बटे सात पाँच। भाग का उल्टा क्या हो जाएगा? गुणा, सात ऊपर और पच्चीस नीचे। अब पाँच से काट दो, पचम का पच्चीस, सात बटे पाँच, सात बटे पाँच आंसर। अब अगला सवाल है आपका, सात बटे तीन भागित दो। चलो उतार लिया ये, चलो इधर कर लेता हूँ, इधर आ जाएगा आपका सात बटे तीन, सात बटे तीन भागित, सात बटे तीन भागित दो। बटे में कुछ नहीं एक मानो, बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? एक। तो ये हो जाएगा सात बटे तीन, भाग की जगह किसका निशान आ जाएगा? भाग की जगह गुणा का निशान, एक ऊपर चला गया दो नीचे आ गया, सात एकम सात, सात एकम सात, तीन दुनी छः। अगला अगला है हमारा चार बटे नौ भागित पाँच, चार बटे नौ भागित पाँच, है ना, भागित पाँच, चार बटे नौ भागित पाँच, तो पाँच बटे एक मान लो, पाँच बटे एक मान लो, तो ये हो जाएगा आपका चार बटे नौ, भाग की जगह किसका निशान आ जाएगा? गुणा का निशान हो जाएगा, और एक ऊपर चला जाएगा और पाँच नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा चार एकम चार, और नौ पंजे पैंतालीस, और यही हमारा उत्तर। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, तीन सही एक बटे दो भागी चार, तीन सही एक बटे दो, तीन सही एक बटे दो भागी चार, भागित चार। तो देखिएगा ध्यान से, दो का पाड़ा तीन बार बोलो, दो तिया छः, दो तिया छः, दो तिया छः, छः और एक सात, सात, छः और एक सात बटे दो भागित चार बटे एक, सात बटे दो। भाग, भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा, एक ऊपर चला गया और चार नीचे, सात एकम दो चौक आठ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम आते हैं, अगला सवाल है हमारा दो बटे पांच भागित एक बटे दो। चलो लिखिए, देखो तीन बटे सात भागित आठ बटे सात, तीन बटे सात भागित
तीन बटे सात भागित आठ बटे सात, ये सवाल है आपका, इसको हल करना भैया। कैसे करेंगे देखो, तीन बटे सात भाग का उल्टा क्या होता भैया? गुणा। तो सात ऊपर और आठ नीचे, तो ये आपका सात से सात गया तो ऊपर आठ और नीचे, सॉरी ऊपर तीन और नीचे आठ, और ये उत्तर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, चलो अगला प्रश्न है आपका, दो सही एक बटे दो, इधर कर लेते हैं, दो सही एक बटे दो, दो सही एक बटे पाँच, सॉरी दो सही एक बटे पाँच भागित, भागित में लिखो दो सही एक बटे पाँच भागित एक सही एक बटे पाँच, एक सही एक बटे पाँच, ये हमारा सवाल है ना। तो देखो दो पंजे दस, दस और एक ग्यारह बटे पाँच भागित, पाँच एकम पाँच और एक छः बटे पाँच, ग्यारह बटे पाँच, भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। पाँच ऊपर चला गया और छः नीचे आ गया, पाँच से पाँच गया ग्यारह बटे छः उत्तर आ गया। ठीक है, ग्यारह बटे छः हमारा उत्तर आ गया। ठीक है ना, तो ये सवाल मैंने आपको कराए। ठीक है बेटा, बहुत इतने आज के लिए ना, ठीक।